नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं आपकी न्यूज यानी कि शुभ समाचारों का बुलेटिन। विकास को अक्सर पर्यावरण के खिलाफ समझा जाता है, लेकिन अब सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने इस धारणा को बदलने के लिए नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन की शुरुआत की है, जिसमें राजमार्गों को हरा भरा किया जाएगा और साथ ही इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हाईवे पर धुआं फैलाते ट्रकों को अक्सर आपने देखा होगा, जिन पर लगाम लगाना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन अब सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत देश भर में 2000 किलोमीटर लंबी सड़कों का चुनाव कर दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे। 1500 किलोमीटर का पहला काम दिया है, उसमें 7 राज्यों के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आए हैं, कुछ कॉरपोरेट, कुछ पब्लिक सेक्टर, कुछ NGOs वो भी आए हैं, पर यह शुरुआत है और अभी हमारी एंट्री ओपन है। इस योजना में 1 किलोमीटर के दायरे में पेड़ लगाने और 5 साल तक उनका रखरखाव करने पर 12 लाख का खर्च आएगा और इससे 12 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस हिसाब से 15,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। We will be awarding projects for approximately 1500 किलोमीटर stretch of national highways out of identified 2000 किलोमीटर so far. By the end of July, it is estimated to cover around 3000 किलोमीटर stretch of nationalized power plantation. इस योजना के तहत अब तक 1500 किलोमीटर के लिए पार्टनरों का चुनाव कर लिया गया है। पेड़ को लगाने से लेकर रख रखाव सबकी मॉनिटरिंग होगी। अब देखना होगा कि ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट पर्यावरण को बचाने में कितना कारगर साबित होता है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।